हेलो बच्चे, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे, एकदम मजेदार होंगे। और आपके 2 से 3 दिन आपके लेक्चर्स रुके हुए थे क्योंकि आपके अर्जुन सर की तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी, इसकी वजह से आपका लेक्चर रुका हुआ था। फिर से एकदम बहुत धमाके के साथ अर्जुन सर आपके साथ है, आपके बीच में है और आपको कंटिन्यू लेक्चर्स मिलते रहेंगे। मैंने ग्रामर्स का टॉपिक लगभग अबाउट खत्म कर दिया था, कंप्लीट कर दिया मैंने, ताकि बच्चों का राइटिंग स्किल कराएंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं आज बात करता हूँ लेटर राइटिंग, वो भी किसकी बात करता हूँ, आपके इनफॉर्मल लेटर ही। किस कौन सा लेटर है आपका? ये इनफॉर्मल लेटर है। कौन सा इनफॉर्मल लेटर है? इनफॉर्मल लेटर होता क्या है? इनफॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं? इनफॉर्मल लेटर हम अपने सगे संबंधियों को, रिलेशंस में मम्मी पापा को, दोस्त को, फ्रेंड को, जीएफ को, बीएफ को, आप जो भी आपसे रिलेटेड आप उनको लिख सकते हैं। ओके, मैंने आपको टॉपिक दिया है यहाँ पे कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, यहाँ पे रखेगा हिम हर कंग्रेचुलेट दैट बीन द फर्स्ट प्राइज इन हिंदी एस्से राइट। उन्होंने एक आपका दोस्त है जिन्होंने हिंदी एस्से राइटिंग कंपटीशन में उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है, उनको लेटर कैसे लिखेंगे? मैंने आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे दिया है। सबसे पहले उनका एड्रेस आएगा, क्या रहेगा आपका यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका एड्रेस रहेगा जिनको आप लेटर लिख रहे हैं, उनका एड्रेस उनका रहेगा जिनको आप लेटर लिख रहे हैं अपने दोस्त को। यहाँ पे एक लाइन आपको ड्रॉप करना है, मैंने यहाँ पे डैश मारा है, फिर अपने को दिनांक लिखना है, डेट लिखना है, फिर आपको क्या करना है, डैश मारना है, यानी एक लाइन छोड़ना है। डियर सौम्या, यहाँ पे आप किसका भी नाम लिख सकते हैं, अगर आपको नाम दिया है तो नाम, नहीं तो आप किसी का नाम लिख सकते हैं। फिर आपको कैसे लिखने का, यहाँ पे मैंने बताया एकदम जस्ट लाइन छोड़ के, मैंने यहाँ पे जितना मैं ये डैश मारा है सब क्या है आपका लाइन छोड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया अपना लाइन छोड़ा हुआ है डियर सौम्या। उसके बाद मैं बोला हाई होप ऑल इज वेल, मतलब कि हाई यहाँ पे सब बढ़िया, आई एम ऑल्सो फाइन ईयर, मैंने बताया कि मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ, यहाँ पे आई नो दैट यू बीन द फर्स्ट प्राइज इन हिंदी एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन एंड दिस इज वेरी बिग अचीव टू यू एंड योर फैमिली, सो आई कंग्रेचुलेट यू फ्रॉम द हार्ट, आई ऑलवेज नो दैट यू वेर डूइंग मोर प्रैक्टिस ऑफ द राइटिंग कॉम्पिटिशन, दिस इज रीजन ऑफ योर सक्सेस, आई होप यू कीप इट अप इन योर फ्यूचर एंड गेट मोर सक्सेस इन योर लाइफ, होप वी कैन मीट सून, प्लीज कन्वे माई रिकॉर्ड टू ऑल एट होम। यहाँ पे आपका फिर बोला मैंने एक लाइन ड्रॉप करो, योर लविंग फ्रेंड एक्स वाई जेड, आप कोई भी लिख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई, क्योंकि ये पूरा क्या है आपका पैटर्न है, कहीं ना कहीं क्या है आपका ये फॉर इनफॉर्मल लेटर का क्या है आपका ये पैटर्न है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बोला यहाँ पे हाल चाल आप पूछा पहले, फिर उन्होंने बोला कि उनको पता चला, क्या पता चला कि उन्होंने जीता है, उसके बारे में लिखा और यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, बधाई दिया आपने उस अपने दोस्त को। ओके, खाली बधाई दिया और वहाँ पे क्या लिखा मैंने, अब उनके बारे में लिखा, अपने फ्रेंड के बारे में उन्होंने क्या क्या किया, ओके उसके बारे में आप लिखा। और ये 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 लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूरी का पूरा लाइन, ओके तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, आपको इतनी बात समझ में आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद।